मेरे पास एक ऐसा टिकट है जो किसी के बाप के पास भी नहीं रहा। टिकट के लिए रात को पब्लिक सो जाती थी, करेक्ट, यहाँ तो शहीन चक लेते हैं, पे गोली चली थी अटल किंग ने। ओके, लेकिन आपको माना जाता है एज अक्षय कुमार फैन और खान हेटर बोलते हैं आपको। हेलो वन मनी म्यूजिक भैया, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ईद का दिन है, सबसे पहले सभी को ईद मुबारक। और हम लोग के साथ में आ गए हैं विजय जी एंड बॉबी भाई, जो 40 सालों से दोनों यहाँ पे पिक्चरें देख रहे हैं। अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ टू हीरो फिल्म है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ना दिलीप कुमार ना अमिताभ, ये है सीधे साधे अक्षय। बॉबी भाई, शुरुआत आपसे होगी, क्या कहोगे पिक्चर के लिए, क्या एक्साइटमेंट है, क्योंकि थोड़ा ट्रेलर और ये सब में आपको थोड़ा मजा आया नहीं था? मुझे ट्रेलर में मजा नहीं आया था, लेकिन अब देखते हैं फिल्म कैसी है, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। अंदर जाने के बाद में पता चलेगा। ओके विजय जी, ट्रेलर आपको पसंद आया था? ट्रेलर पसंद आया था, पिक्चर देखते जब तक पिक्चर देखेंगे नहीं पता नहीं चलेगा कैसी पिक्चर है। यहाँ तो धमाल मच रही है, हार लगे, केक कटिंग होगी, सब नाच रहे, ढोल ढगारा, धमाल हो रहा है। ओके, सिंगल सीन की पिक्चर है जी, फुल ऑफ एक्शन जी, तो लोगों को मजा आएगा। ओके, देखते हैं अब। 100 टिकट विजय जी ने लिए, लेकिन बॉबी भाई के पास में कोई एक ऐसा टिकट है जो हमको अभी दिखाने वाले हैं। बॉबी भाई, मेरे पास एक ऐसा टिकट है तो किसी के बाप के पास भी नहीं रहेगा। 26 साल पुराना टिकट, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, गोविंदा की फिल्म मैटनी शो में देखी थी, 26 साल पुराना टिकट मेरे पास अभी तक है। विजय जी, आपने कहा देखी थी? सचिन में देखी थी, साथ में यहाँ नहीं देखी थी। वो बैंड्रा में लगी थी पिक्चर, वो टिकट निकालने को आपको 3 बजे गए थे, उधर पब्लिक वहां सो गई थी। वो एक अलग तौर था बच्चन साहब का, टिकट के लिए रात को पब्लिक सो जाती थी, करेक्ट, यहाँ तो शहीन चक लेते हैं, पे गोली चली थी अटल किंग ने। ओके ओके, अगर आपको झूठ लगता है आप टीनू आनंद का इंटरव्यू देख लो, कहीं मिलेगा। टीनू आनंद जी ने बोला था कि शहीन चक के टाइम पे यहाँ पे अटल किंग ने गोली चली थी। ओके, वो तो और अलग था, मतलब रात को हम सो जाते थे यहाँ पर, बात अलग थी। अभी ऑनलाइन का जमाना है और वो क्रेज रहा नहीं, क्योंकि वो कहानी बनती नहीं है। पहले की कहानी हम 10 बार देखते थे, ऋषि कपूर ने कहा था थिएटर पे कि हमारी ऑडियंस इतनी अच्छी थी कि फिल्म 10 बार देखते, 10 बार होते थे, 10 बार आज ऑडियंस नहीं है। करेक्ट करेक्ट। बॉबी भाई, इतना एक्साइटमेंट क्या लग रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि जब 1998 में बड़ी मियाँ छोटी मियाँ आई थी, वही भी बाशु बगल जी ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन डेविड धवन जी ने डायरेक्ट की थी, और बच्चन साहब और गोविंदा कॉम्बिनेशन डबल डबल रोल में था। अब इसमें सिंगल रोल है, तो देखते हैं ये बड़ी मियाँ छोटी मियाँ कैसी है। इट वॉज दैट वॉज अ कॉमेडी फिल्म, अभी एक्शन फिल्म है, तो देखते हैं क्या धमाल करते हैं अक्षय कुमार गोविंदा, सॉरी अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ। अक्षय कुमार द फिटनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड एंड टाइगर श्रॉफ इंडियाज नंबर वन एक्शन हीरो, इंडियाज नंबर वन डांसर। तो देखते हो दो एक्शन हीरो, दोनों इतने बड़े एक्शन हीरो है कि उनको लेके एक्शन तो होना ही बनता है, धमाकेदार होना चाहिए। एक्शन सही बैठ गया तो पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। यस, 1 लाख टिकटें बिकी है, कल तक का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन इमीडिएट 1 घंटे में कुछ ज्यादा टिकटें बिक गई। ईद का मौका है तो जो मुस्लिम भाई है वो लोग पूरा महीना फिल्म नहीं देखते, और आज त्यौहार का महीना सब लोग बाहर आए और फिल्म देखते, और फिल्म हाउसफुल है तो बहुत अच्छी बात है, और आगे भी हाउसफुल हो वैसी उम्मीद करते हैं। ये अच्छी बात है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 4 दिन उसको मिल जाएगा, तो ब्लॉकबस्टर हो सकती है। अब पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा, फिर भी ईद है ना तो लोग देखेंगे। तो जमाने के साथ फिल्में भी बदलती रहती है, वो कॉमेडी का दौर था, अभी एक्शन हीरो है, और दोनों एक्शन हीरो है। अक्षय कुमार तो कॉमेडी भी करते हैं, एक्शन करते हैं, इमोशनल भी करते हैं, टाइगर अभी एक्शन और डांस में जाना माना है, तो दोनों फास्टेस्ट है एक्शन में, तो अब देखते कौन बाजी मारता है। दोनों का फैन फॉलोइंग अलग है, लेकिन आपको माना जाता है एज अक्षय कुमार फैन और खान हेटर बोलते हैं आपको। अक्षय कुमार फैन बोलते हैं, खान हेटर बोलते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली सनी देओल का डायरेक्ट फैन हूँ। मैंने अक्षय का फैन ना किसी खान का फैन हूँ, लेकिन तारीफ मैं सबकी करता हूँ। आप खान की फिल्में देखो, दीवाना, शाहरुख खान की बाजीगर, यस बॉस, सलमान खान की तेरे नाम, वो सब फिल्में देखो, कितनी तारीफ की मैंने। अभी आज की नई जनरेशन फिल्में देखी नहीं है थिएटर में, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और दौर तो वही रहता है, फिल्में भी वही रहती है, ऑडियंस खाली चेंज होती रहती है, पिक्चर फिल्म तो वही रहती है। यहाँ पे फैंस आ गए अक्षय कुमार के, और मैं डेट पे क्या बोलना चाहोगे, पोस्टपोन किया एक दिन? पोस्टपोन किया क्योंकि उनको लगा कि शायद ग्रैंड बन के कुछ चक्कर था, इसी वजह चेंज किया, और कुछ नहीं। देखते हैं, हमने यहाँ पे केक कटिंग होगी, देखिए यहाँ भी कवर कीजिए, पिक्चर के बाद में वापस मिलेंगे आप दोनों से, आपसे तो फिर केक काटेंगे। एक खिलाड़ी अक्षय कुमार के फैंस का हंगामा करके रखा।
रहा है GT गैलेक्सी पे, हार भी चढ़ा दिया है पोस्टर पे, बहुत बड़ा हार लेके आए हमारे गुरु पाजी।